सभी किसान साथियों को जय किसान, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार। साथियों, सरसों, नरमा और ग्वार के भाव के बारे में काफ़ी साथियों के फ़ोन आए। बीच में कुछ दिन मैं बिजी था, इस वजह से जो है वो वीडियो अपने नहीं बना पाए, अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज भी काफ़ी साथियों के फ़ोन आए जो नरमे के भाव के बारे में पूछ रहे थे, सरसों के भाव के बारे में और ग्वार के भाव के बारे में आज पूछ रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, सरसों जो कि बीच में कुछ दिन थोड़ा सा डाउन गई, अपने भाव से थोड़ा सा नीचे आई, हालांकि स्थिर रही, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई, 7500 तक चली गई थी, बीच में 7600-7700 उसने थोड़ी थोड़ी रफ्तार पकड़नी चालू करी है। कल भी रफ्तार में थी, आज भी एनसीडेक्स के ऊपर भी थोड़ा सा तेज़ी आई थी दोपहर को, लेकिन फिर शाम होते होते कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन हुई, लेकिन पहले से सरसों ने रफ्तार पकड़ी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सरसों के साथियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरसों का रेट एकदम से नीचे नहीं जाएगा। हालांकि काफ़ी चीज़ें हो रही है इन दिनों में, एक तो जो सरकार है, सरकार का भी कहीं ना कहीं दबाव है, तेलों का आयात किया जा रहा है सरकार की तरफ से, एक तो ये भी थोड़ा सा दबाव है कहीं, हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। एक सोयाबीन का तेल भी इसको कहीं ना कहीं जो है इफ़ेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं मार पड़ रही है, क्योंकि सोयाबीन की फसल जैसे जैसे बाज़ार के अंदर नई आनी शुरू हुई है तो उसका भी कहीं ना कहीं दबाव जो है वो सरसों के ऊपर बनता है। तो साथियों, लेकिन बहुत खतरे वाली बात नहीं है, जिन साथियों के पास सरसों पड़ी है कोई घबराने वाली बात नहीं है। सरसों का रेट जो है आज यहाँ तक तो रहेगा रहेगा, उम्मीद है, और आगे बढ़ने की और सुधार होने की काफ़ी उम्मीद है सरसों के बारे में। तो ये तो सरसों की बात थी। नरमे की बात करें, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, नरमे की फसल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में काफ़ी नुकसान हुआ है, येलोनेस जिसको अपने बोलते हैं उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। बरसात लगातार जो है हो रही है अभी भी, क्योंकि आज अगर बरसात होती है तो उसका नुकसान नरमे को है। तो हालांकि पहले बिजाई कम थी, जैसे उस दिन भी अपने वीडियो में बात की थी, बिजाई भी कम थी, फिर अभी पकाव के समय अगर बरसात आती है तो कहीं ना कहीं जो है समस्या नरमे की फसल में काफ़ी रहेगी, और MSP जो इसका CCI द्वारा तय किया गया था उससे नरमा ऊपर बिकेगा। मैंने उस दिन भी आपको बोला था और मैं आज भी आपको मेक श्योर करता हूँ कि बड़ी उम्मीद है कि उससे ये जो भाव है वो ऊपर रहेंगे और नरमे के भाव के अंदर सुधार देखने को मिला। बीच में नरमा 7000 हो गया था, फिर कुछ दिनों के लिए नरमा 6600 मतलब कि 6600 जिसको अपने बोलते हैं, फिर वो 6700 वाला चक्कर हो जाता है, 6800 तक भी नरमा जो था वो आ गया था, लेकिन अब नरमे की फसल में सुधार हुआ है, 7000 के ऊपर नरमा अभी बिक रहा है। ग्वार के साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स है, एक अच्छा मैसेज है, वो ये है कि ग्वार भी धीरे धीरे सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा तेज़ी को जा रहा है। ग्वार भी एकदम से नीचे नहीं आ रहा है, आज भी ग्वार लगभग 5800 से 6000, 6900 से 6100 के बीच मंडियों के, काफ़ी मंडियों के अंदर ग्वार जो है वो बिका है। तो ग्वार के साथियों को भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं पिछली बार भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूँ, सारी वीडियो मैंने लगभग बोला है कि ग्वार का जो भाव 12000-15000 वाला है उसकी उम्मीद तो एक बार नहीं लग रही, लेकिन ग्वार के भाव में सुधार होने की आवश्यकता है, डिपेंड्स ऑन जो नई फसल भी है उसको देखते हुए भी, और वही नरमे वाली हालात इसके अंदर है। तो साथियों, सरसों और ग्वार में तेज़ी की संभावना है, बनी हुई है, निवेदन आपसे दोबारा करूंगा, सौदा आप अपने रिस्क पे करें, क्योंकि मेरा काम आपको जितनी की जानकारी हमें मिलती है, जैसी भी जानकारी मिलती है वो आपके तक पहुंचाने का है, बाकी आप अपने रिस्क पे करें। और नरमे के भाव के अंदर सुधार है और उम्मीद है कि आगे और सुधार आ सकता है, जैसे जैसे नई फसल आएगी, ज़्यादा गांठें आनी चालू होएंगी मार्केट के अंदर, उस हिसाब से अपने को नरमे के भाव का भी और आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कहूँगा कि नरमे के भाव में जो है वो कमी नहीं आनी चाहिए, नरमे के भाव में तेज़ी बनी रहनी चाहिए। मंडियों के भाव की बात करें, सरसों की बात करें, तो लगभग मंडियों के ऊपर 8000 से ऊपर सरसों आज बिकी है, कुछ एक मंडियों के अंदर जो है वो 7800 सरसों बिकी है, भरतपुर में 8300 रुपये, जयपुर में 8400 से 8700 रुपये, और बारा के अंदर 8100 से 8200 रुपये, नागौर के अंदर 8000 से 8300 रुपये, सरसा मंडी के अंदर 7500 से 7700 रुपये, विजयनगर मंडी के अंदर 7500 से 7700 रुपये, और ऐसे ही भाव जो है जैसर और रायसेनगर के अंदर रहे हैं। नरमे की बात करें साथियों, तो नरमे के भाव जैसे मैंने बताया कि 7000 से लगभग ऊपर ही बिका है नरमा आज,
काफ़ी ठीक भाव है, 7100 से 7300 के बीच में आज नरमे के भाव मार्केट के अंदर रहे हैं। विजयनगर मंडी की बात करें तो 7000 से लेके 7100 रुपये तक नरमा बिका है, और जैसर के अंदर बात करें तो 7050 से लेके 7150 रुपये जो है नरमा बिका है। ग्वार का मैंने आपको बताया कि अमूमन मंडियों के अंदर 5800 से 6000 रुपये या फिर 6900 से 6100 रुपये, काफ़ी मंडियों के अंदर आज ग्वार बिका है। आने वाले दिनों में और सुधार की आवश्यकता है, जैसे और जानकारी मिलेगी आपको दोबारा वीडियो बना के जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।